बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई मोहम्मद खुबैब राय नर्सी फार्म के चैनल से। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर वाफियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। तो आज हम बात करेंगे टॉप फाइव क्लिम्बर वाइन के ऊपर, जो दीवारों के ऊपर बेलें चढ़ती हैं उनके पाँच बेहतरीन बेलों के ऊपर बताएँगे हम आपको। इनके नाम बताते हैं फिर इनके ऊपर डिटेल में जाएँगे। नंबर वन पर आती है अलमंडा वाइन, नंबर टू पे आती है गार्लिक वाइन, नंबर थ्री पे आती है रेंगून करीपर जिसे जुमका बेल भी कहा जाता है, नंबर चार पे आती है मॉर्निंग ग्लोरी जिसे इस्पेचा बेल भी कहा जाता है, नंबर पाँच पे आती है बुगनवेलिया जिसे बुगन बेल भी कहते हैं, तो नंबर सात पे आती है क्लोरोडेंड्रॉन फैलोडेंड्रॉन भी इसे कुछ लोग कहते हैं, ब्लीडिंग हार्ट भी कहते हैं। नंबर सात पर आती है साइप्रस वाइन, उसके बाद आती है नंबर आठ पे रोज़ क्लिम्बर गुलाब की बेल जिसे कहा जाता है, उसके बाद गोल्डन शावर आती है जिसे फ्लेम वाइन भी कहा जाता है, फिर यास्मीन स्टार है, तो चम्बेली प्लांट है, पैसी फ्लोरा जिसे फैशन फ्लावर भी कहा जाता है, और इसके बाद आती है वेस्टीरिया। तो ये अपने ममालक का पौधा नहीं है, ये जापान और कोरिया साइड का पौधा है वेस्टीरिया का। तो उसके बाद फिर आती है कल्टन क्रीपर जिसे पर्दा बेल भी कहते हैं, और उसके बाद आती है आईवी बेल जिसे छिपकली बेल भी कहते हैं। तो अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले लेते हैं जुमका बेल को जिसे कहते हैं रेंगून करीपर। तो ये है जुमका बेल, इस पर दो कलर का फूल आता है, रेड और वाइट, हल्की हल्की फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है, तो शाम के वक्त बहुत प्यारी खुशबू होती है, इसकी खुशबू आपको अपनी तरफ खींच के लाएगी। ये बहुत आसानी से ग्रोथ करती है और तेज़ी से ग्रोथ करती है। इसमें गर्मी में और मानसून में फूल आते हैं, सर्दी में इसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, बड़ी बेन ब्रांचेस बच जाती हैं। तो ये थी रेंगून करीपर, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है और बड़ी आसानी से ग्रोथ करती है। जब भी आप लगाएं, ये मेरी पसंदीदा बेल है, इसे लगाना चाहिए। इसके साथ दूसरी बेल है स्टार यास्मीन, ये रहा, इस पर वाइट कलर का फूल आता है लेकिन इसकी खुशबू नहीं होती, इस पर भी फूल गर्मी में आता है, ऐसे चम्बेली बेल भी कहते हैं, यास्मीन भी कहते हैं, चम्बेली भी कहते हैं, लेकिन चम्बेली और होती है, ये यास्मीन है। तो इसी के साथ ये पड़ी है मॉर्निंग ग्लोरी जिसे इश्पेचा भी कहा जाता है, इसके ऊपर नीले कलर का फूल आता है। तो फूल जो भी वाइन है इसके ऊपर फूल गर्मियों के ऊपर आएंगे, सर्दियों में किसी भी बेल के ऊपर फूल नहीं आते। तो ये है हमारी, इसमें ब्लू कलर का स्पीकर नुमा स्पीकर की तरह फूल होता है। तो ये थी हमारी मॉर्निंग ग्लोरी जिसे इश्पेचा कहा जाता है। गुलाब बेल, इस पर ये रेड कलर का फूल आएगा, ये गर्मी में फूल आता है, इसकी दो से तीन वैरायटीज हैं गुलाब की, कुछ में सर्दियों में आता है, बहार में सर्दी में आता है फूल गुलाब का, और कुछ में गर्मी में आता है। तो ये बारीक पत्ते में है, इस पर गर्मी में आएगा फूल। अभी आपको सर्दी वाली भी दिखाएंगे। तो ये साथ इसमें पैसी फ्लोरा पड़ी है, ये रही, इस पर फूल नहीं आए, वैसे फैशन फ्लावर भी कहते हैं ये चीज़। तो इस पर दो कलर का फूल आता है, ब्लू और वाइट, और घड़ी की तरह इस तरह ऊपर तीन सुइयां बनी होती हैं, कलाइयां बनी होती हैं। ये है हमारी फैशन फ्लावर, ये साथ में बुगनवेलिया है। तो ये बेहतरीन सी बुगनवेलिया तो बहुत से कलर में अंदर पाई जाती है, ये वेरीगेटेड में भी पाई जाती है, ये ग्राफ्टिंग मतलब अब तो इम्पोर्टेड भी आ रही हैं, एक पौधे के ऊपर पाँच पाँच सात सात कलर ग्राफ्ट किए हुए हैं। तो ये बेलें हैं जो तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और बेहतरीन फूल लेती हैं, ये पाँच से छः कलर में पाई जाती है बुगनवेलिया। तो अब आपको दिखाते हैं गुलाब बेल जो कि सर्दी में बहार में फूल उठाती है, ये गर्मी वाली थी, अब सर्दी वाली दिखाते हैं। ये है गुलाब की बेल जिस पे सर्दी में फूल आते हैं, आते बेतहाशे चाहे दो से तीन माह के लिए क्यों ना आए, तो ये फूली भर जाती है, ऐसे लगता है जैसे मोतिये को बड़े बड़े फूल लग गए हैं, लेकिन होती है गुलाब बेल है, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इस पर। तो ये बाहर में फूल उठाती है, वो गर्मी में उठाती है। तो दो तीन बेले हो रहे हैं जो आपको दिखाते हैं, जो बेहतरीन आपको मतलब लुक दे सकती हैं आपके घर को और जल्दी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती हैं। ये है आईवी बेल जिसे चिपकली बेल भी कहा जाता है, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ चिपका दें तो ये उसके साथ ऐसे चिपक जाएगी, जब आप खींचेंगे तो वो उसका कुछ हिस्सा साथ में लेती आएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे पेंट वाली या चूने वाली दीवार के साथ लगाते हैं तो ये चूना अपने साथ खींच के लाएगी। तो पंजाबी में इसे चिचड़ बेल भी कहा जाता है, चिपकली बेल भी हम लोग इसे कहते हैं, चिपकली की तरह ये चिपक जाती है, जिस चीज़ के चिपक जाए उसकी जान नहीं छोड़ती।
तो ये ग्रीनरी के लिए लगाई जाती है, इसके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। और अगर आपकी कोई रफ़ सी दीवार है तो उसके साथ लगा दें, जैसे ये मेरी रफ़ दीवार है, अगर मैं इसके साथ लगाना चाहूँ तो ये लग जाएगी और तेज़ी से ग्रोथ करेगी। इसी के साथ एक बेल पड़ी है, चंबेली बेल। चंबेली बेल, इस पर वाइट कलर का फूल आता है जैसे मोतिया पे आता है, लेकिन इसकी पत्ती सिंगल होती है, मोतिया की डबल होती है, उस पर ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, इस पर सिंगल होती हैं, तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। ये आप अपने दरवाजे मेन के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर चढ़ा दें, और जैसे ही कोई आएगा तो मेन इंट्रेस पे आपको ये पहले वेलकम करेगी खुशबू से। तो ये जो खुशबू वाली हैं ये तो आप पहले अपने मेन गेट पे लगाएं ना, ताकि जो भी आए उसको वेलकम तो करें। इसी की तरह की स्टार यास्मीन थी लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। तो ये जितनी बेलें आप लोगों को बताई गई हैं ये सभी कलम से ग्रोथ करती हैं, आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और जितनी भी बेलें हैं ये सर्दी में फूल नहीं उठाती, गर्मी में उठाती हैं मानसून में। ये अप्रैल मार्च अप्रैल से शुरू कर देती हैं फूल उठाना, और ये सितंबर अक्टूबर तक चलती हैं, नवंबर के 15 के बाद फूल देना बंद कर देती हैं। तो आईवी बेल है ये, जो देखें छोटा छोटा लेके आया था, कितनी बड़ी हुई बड़ी है ये देखें। अगर किसी दीवार के साथ लगाई हो तो ये तो बहुत जल्दी बढ़े, क्योंकि इसे इधर डाया नहीं मिल रहा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो टॉप 5 क्लिम्बर वाइन के ऊपर, मतलब जो दीवारों के ऊपर बेलें चढ़ती हैं उनके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, जिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज 2-3 दिन के बाद वीडियो बनाई है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बुखार था। तो दुआ में याद रखना, आपका भाई मोहम्मद खुबैर, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।